हेलो। अभी मैं आया हूँ दिलकुशा गार्डन जो कि लखनऊ में है। दिखाते हैं आपको, यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है। जैसा कि मेरे पीछे आप बोर्ड देख पा रहे हो, बैठा है मैं देख रहा हूँ। चलो एंट्री लेते हैं। मैं आया हुआ था दिलकुशा कोठी जो कि लखनऊ में है। तो काफ़ी पुरानी जगह है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगा। मैं रोड से ऐसे जा रहा था तो मैंने देखा, सोचा चलो दिखाते हैं आपको। तो अभी इसके बारे में मेरा दोस्त बताएगा आपको। चलिए और आपको दिखाते हैं वीडियो में। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताते हैं। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दिलकुशा कोठी जो लखनऊ में स्थित है, इसका निर्माण देख सकते हैं आप, सआदत अली खान साहब ने कराया था अपने शासनकाल में, जिनका शासनकाल 1794 से 1814 तक चला था। और ये जो कोठी है, ये इंग्लैंड में, ये नॉर्थम्बरलैंड में स्थित सीतन जनावर हाल की एक छाप मिलती है, जैसे उसी का प्रतिबिंब, उसी को देख के इसको बनाया गया था। और ये नवाबों के लिए बनाया गया था। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुआ करती थी, घुमावदार सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी। वो हम इस समय तो नहीं देख सकते हैं, काफ़ी दिन हो गया, बहुत पुराना हो गया इसके वजह से। और बाकी सब जो है वो आप बोर्ड पे देख ही सकते हैं, इसमें विस्तार से कि क्या क्या चीज़ें इसमें थी। देखो आप, ये पिलर्स हुआ करते थे काफ़ी ऊंचे लंबे। ये दोनों जो मेन गेट है एंट्रेंस, उसके दोनों साइड में है। एक साइड पे तीन पिलर हुआ करते थे, जैसा कि आप देख पा रहे होगे वीडियो में। ये देखो, एक दो और ये तीन। अगर आपको ये पूरा देखना है कैसे पहले हुआ करता था, तो अभी मैं फ़ोटो डाल देता हूँ बगल में, आप जैसा आपकी देख पा रहे होगे स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो बना हुआ है आप यहाँ के दिखाएँ, ये जो है ये समाधियाँ हैं लोगों की, शायद यहाँ के राजा की समाधि है। मैं सबको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ये अर्पित, रवि, विपिन,
मोनू और ये तो अभिजीत हाँ निक नेम सबके, ये डॉक्टर और ये मिस्टर जैक।